हाय बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बोन्स यानी कि अस्थियों के बारे में। गाइज, आपकी प्रतियों की परीक्षाओं में अस्थियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ में साथियों, हम ये जानेंगे कि भैया अस्थियों की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा का नाम क्या है। इसके अलावा साथियों, अस्थियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, इन सभी के बारे में साथियों आज किस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। याद रखना साथियों, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन साथियों जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, साथियों उन स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथियों वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, हम बात करने वाले हैं बोन्स के बारे में यानी कि अस्थियों के बारे में। देखिए, जब साथियों बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म जिसने अभी अभी जन्म लिया है साथियों, उसे कहा जाता है नवजात शिशु। तो साथियों बच्चे में जन्म के समय अस्थियों की संख्या होती है साथियों 300 से अधिक। कितनी होती है भैया? नवजात शिशु जिसने अभी अभी जन्म लिया है साथियों, इसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो भैया होती है 300 से अधिक, 300 से अधिक। अब होता क्या है साथियों, जैसे जैसे वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, नवजात शिशु धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, वैसे ही साथियों उसमें अस्थियों की संख्या घटती जाती है। तो साथियों होता क्या है, नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी है? 300 से अधिक है। अगर साथियों वो बच्चा हुआ यानी कि ऐसा बच्चा जिसकी उम्र साथियों 5 से 7 वर्ष है, तो भैया उसमें अस्थियों की संख्या कितनी रहेगी? तो भैया उसमें अस्थियों की संख्या रहेगी 260 से लेकर के 270। अब भैया ये कम क्यों होती है? तो साथियों उसके पीछे एक रीजन है, ये अस्थियां जो होती है साथियों ये आपस में जुड़ जाती है और साथियों जुड़ करके एक हो जाती है। यही कारण है साथियों कि जैसे जैसे ही इंसान बड़ा होता जाता है तो उसमें अस्थियों की संख्या घटती जाती है। बात क्लियर है? एक एग्जाम्पल की बात कहूं तो रीढ़ की हड्डियों में साथियों सेक्रम और कोडल आपने दो नाम सुने होंगे। सेक्रम की संख्या साथियों छोटे बच्चों में 5 होती है और कोडल की संख्या साथियों 4 होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा वयस्क होता है तो भैया सेक्रम 1 हो जाता है और कोडल भी 1 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार साथियों बहुत सारी अस्थियां आपस में जुड़ करके एक हो जाती है। यही कारण है साथियों कि भैया जैसे जैसे ही इंसान बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ही अस्थियों की संख्या घटती जाती है। बात क्लियर है? तो आपसे जो जो क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा गया है आज की इस वीडियो में, उस एक एक क्वेश्चन के बारे में ही मैं चर्चा करने आया हूं, इस बात का आपको याद रखना है। पहली बात, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवजात शिशु में यानी कि ऐसा बच्चा जिसने अभी अभी जन्म लिया है उसे कहा जाता है नवजात शिशु। नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 300 से अधिक होती है। ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 5 से 7 वर्ष है, या फिर बच्चों में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे 260 से 270। लेकिन अगर मैं व्यस्क की बात करूं, व्यस्क की बात करूं तो व्यस्क में होती है साथियों 206। तो आशा करता हूं सबसे पहले आपको ये तीनों बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बोन है हमारी, जो अस्थि है हमारी, इन अस्थियों का अध्ययन, इन अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा का नाम क्या है, यानी कि हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा का नाम क्या है। तो अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा का नाम है ऑस्टियोलॉजी। क्या है साथियों? ऑस्टियोलॉजी। मैं लिख देता हूं ऑस्टियोलॉजी। गाइज, ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें साथियों हम डिटेल में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? भैया बोन यानी कि अस्थियों के बारे में अध्ययन करते हैं।
किसके बारे में? अस्थियों के बारे में अध्ययन करते हैं, अस्थिया। ठीक है साथियों, ये बात क्लियर है, आशा करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भैया कोई आपकी अस्थि है, यह आपकी अस्थि है, अब इस अस्थि में रोगों का अध्ययन, अस्थि में रोगों का अध्ययन, आपकी हड्डी में रोगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो गाइज उस शाखा को कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑर्थोलॉजी। लिख देता हूं, समझ में आ रहा है आपको तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जो भी अपना भाई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी भला हो सके। तो अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को ऑस्टियोलॉजी, और अस्थियों में रोगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को साथियों का क्या कहा जाता है? ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। अब मुझे ये बताओ साथियों कि आपकी जो अस्थियां है, आपकी जो हड्डी है साथियों, ये किससे मिलकर के बनी होती है? तो याद रखना साथियों, CaCO3 प्लस में CaPO4, ये होता है साथियों कैल्शियम कार्बोनेट और ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ये दोनों मिलकर साथियों किसका निर्माण करते हैं भैया? आपकी हड्डियों का, आपकी अस्थियों का निर्माण करते हैं। तो अस्थि किससे मिलकर के बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बनी होती है। यहां तक बात क्लियर है? और देखिए अस्थि में साथियों कौन सी कोशिका पाई जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपकी अस्थि में कौन सी कोशिका पाई जाती है? देखिए अस्थि में दो कोशिका पाई जाती है, एक का नाम है साथियों ओस्टियोसाइट और एक का नाम है साथियों ओस्टियोक्लास्ट। एक का नाम है ओस्टियोसाइट और एक का नाम है साथियों ओस्टियोक्लास्ट। याद रखना साथियों ये जो ओस्टियोसाइट होती है ये हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है, ये भैया हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है। और साथियों ये जो ओस्टियोक्लास्ट है ये भैया हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है, हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है ओस्टियोक्लास्ट, और भैया ओस्टियोसाइट है ये भैया हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है। बोलो इतनी बात क्लियर है? और देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि आपकी अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो याद रखना साथियों बहुत ही फेमस है, एक ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो आशा करता हूं साथियों ये सभी की पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि ये सभी की पॉइंट साथियों बार बार आपसे आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिविजन करवा देता हूं। कोई क्वेश्चन पूछे कि नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो भैया 300 से अधिक होती है। बच्चों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 260 से 270 होती है। और वयस्क में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो भैया आप सभी को पता है 206 होती है। अगली बात मैंने आपको बताई थी साथियों कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और साथियों अस्थि में रोगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है साथियों उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो भैया उस शाखा को कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अस्थियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, तो साथियों क्या कहा जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात क्लियर है? और देखिए अस्थियों का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से होता है, CaCO3 और CaPO4। बात क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया था साथियों कि आपकी जो अस्थि है उस अस्थि में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक ऑस्टियोसाइट एक ऑस्टियोक्लास्ट। ये जो ऑस्टियोसाइट कोशिका है साथियों, ऑस्टियोसाइट जो सेल है ये भैया आपके अस्थियों के निर्माण में सहायक होती है, और ऑस्टियो जो क्लास्ट है साथियों ये आपकी हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। बात क्लियर है? यानी कि अस्थियों की मरम्मत में सहायक होती है। और आपकी अस्थियों में कौन सी प्रोटीन होती है, तो भैया ओसिन प्रोटीन होती है। बोलो यहां तक बात क्लियर है?
ओके, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा मिटा देता हूं। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं हम आगे, कुछ महत्वपूर्ण अस्थियां हैं साथियों जो बार बार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है साथियों, नोट कर लेना, बहुत काम आने वाला है। देखिए भैया, नंबर वन, कपाल का पत्थर किस अस्थि को कहा जाता है? कपाल का पत्थर, सबसे पहले बात आती है कि भैया ये कपाल क्या होता है, तो आपको मस्तिष्क, आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो ब्रेन है, इस ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथियों कौन उपयोगी होता है? क्रेनियम, कपाल होता है। ये कपाल में साथियों आठ अस्थि होती है, इस कपाल में आठ अस्थियां होती है और ये सभी आठ अस्थियां साथियों आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। आठ अस्थियों के नाम क्या क्या है? देखिए, नंबर एक पर आता है साथियों फ्रंटल, नंबर दो पर आता है ओसिपिटल जो आपके पीछे की तरफ होता है, दो, नंबर तीन पर आता है साथियों टेम्पोरल जो कि आपके कान के पास होता है, इनकी संख्या दो होती है, और नंबर चार पर आता है साथियों पेराइटल, इनकी संख्या भी दो होती है जो यहां होती है, एक ये वाली अस्थि, एक ये वाली अस्थि। बात क्लियर है? तो कितनी अस्थि हो गई? छह हो गई। एक होता है स्पेनोइड और एक होता है इथमोइड। तो साथियों जो स्पेनोइड जो अस्थि है भैया, उस अस्थि को कपाल का पत्थर कहा जाता है, स्पेनोइड। मैं लिख देता हूं, फ्रंटल, इसकी संख्या एक होती है, ओसिपिटल, इसकी संख्या दो होती है, सॉरी एक होती है ओसिपिटल की भी, टेम्पोरल, इसकी संख्या दो होती है, ये कान के पास होती है, दोनों ही, एक इस तरफ होती है, एक इस तरफ होती है। नंबर तीन पर आता है पेराइटल, इसकी संख्या भी दो होती है, एक होती है स्पेनोइड, इसकी संख्या एक होती है, और एक होती है इथमोइड, इसकी संख्या एक होती है। तो साथियों ये जो स्पेनोइड जो अस्थि है, ये अन्य जितने भी सात अस्थियां हैं साथियों, उन सातों अस्थियों से जुड़ी हुई होती है, इस कारण साथियों में कपाल का पत्थर किस अस्थि को कहा गया है? स्पेनोइड अस्थि को कहा गया है, क्योंकि भैया कपाल की जितनी भी अन्य अस्थियां हैं, अन्य जो सात अस्थियां हैं, उन सातों अस्थियों से साथियों ये स्पेनोइड जुड़ी हुई होती है, इस कारण साथियों इसे कपाल का पत्थर कहा गया है, यह आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है साथी, तो स्टार लगा लेना, बहुत काम की चीज है। और साथियों इससे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया तितली के आकार की अस्थि कौन सी है? तितली के आकार की अस्थि कौन सी है? तो याद रखना साथियों, तितली के आकार की अस्थि भी स्पेनोइड है। बोलो, पहली बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने कहा कपाल में साथियों आठ अस्थियां होती है, इसे क्रेनियम कहा जाता है। साथियों जो कपाल होता है ये हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है, और उन आठों अस्थियों में से एक ये अस्थि है स्पेनोइड, जिसे साथियों कपाल का पत्थर कहा जाता है, और इसका आकार तितली के समान होता है। कपाल का पत्थर क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया कपाल की अन्य सात अस्थियों से ये अस्थि जुड़ी हुई होती है, इस कारण साथियों इसे कपाल का पत्थर कहा जाता है। बात क्लियर है? इंपॉर्टेंट चीज है। और देखिए दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, हथौड़े के आकार की अस्थि। देखिए भैया, आपसे राजस्थान लेबर स्टैंड में क्वेश्चन पूछा गया था कि हथौड़े के आकार की अस्थि कौन सी है, तो गाइज याद रखना, हथौड़े के आकार की अस्थि है मेलियस अस्थि, मेलियस बोन। ये साथियों मेलियस बोन आपके कान में होती है, आपके कान में साथियों तीन अस्थियां होती है,
नंबर एक पर आता है साथियों मेलियस, नंबर दो पर आता है साथियों इनकस, और नंबर तीन पर आता है साथियों स्टेपीज। तो साथी ये जो मेलियस अस्थि है, इस मेलियस अस्थि का साथियों जो आकार होता है, मेलियस अस्थि का जो आकार होता है साथियों वो भैया हथौड़े के समान होता है, यानी कि हेमर के समान होता है। तो भैया आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हथौड़े के आकार की अस्थि कौन सी है, तो भैया मेलियस है। बात क्लियर है? मेलियस कहाँ पाई जाती है? आपके कान में पाई जाती है। कान में तीन अस्थियां होती है, नंबर एक पर मेलियस, नंबर दो पर इनकस, नंबर तीन पर स्टेपीज। बात क्लियर है साथियों? तो इस मेलियस का आकार किसके समान होता है? हथौड़े के समान, यानी कि हेमर के समान। इतनी बात क्लियर? और देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है साथियों स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। तो कान से आपको दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पहला है साथियों मेलियस, इसका आकार हथौड़े के समान होता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और साथियों ये क्वेश्चन तो ना जाने कितनी बार आपसे आपकी एग्जाम में पूछा गया है कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है साथियों, तो भैया स्टेपीज है, और ये भैया कान की अस्थि है। एक कान में तीन अस्थि होती है, दोनों कानों में साथियों छह अस्थि होती है। अब साथियों ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया है कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो भैया स्टेपीज है। तो भैया ये क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है कि भैया मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो कौन सी है भैया? फीमर है। किसकी अस्थि है? पैर की, और पैर में भी जांघ की। कंप्लीट है? एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पैर से संबंधित है। वो क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि भैया घुटने की अस्थि कौन सी है? घुटने की अस्थि, तो साथियों घुटने की अस्थि है भैया पटेला। कौन सी है साथियों? पटेला। बोलो इतनी बात क्लियर है? ओके, और देखते हैं। अब बात करते हैं साथियों आंख की अस्थि की। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया आंख की अस्थि का नाम क्या है, तो भैया आंख की अस्थि होती है लेक्राइमल अस्थि। लेक्राइमल अस्थि, लेक्राइमल अस्थि साथियों एक जोड़ी होती है, यानी कि ये दोनों आंखों में पाई जाती है। ये वाली अस्थि साथियों, जिस अस्थि में हमारी आंख स्थित होती है उस अस्थि को साथियों लेक्राइमल अस्थि कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आंख की अस्थि कौन सी है साथियों, तो आंख की अस्थि है भैया लेक्राइमल अस्थि। बात क्लियर है? और देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया गाल की अस्थि कौन सी है? गाल की अस्थि, तो भैया गाल की अस्थि है साथियों जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक अस्थि, ये भी साथियों एक जोड़ी होती है। कितनी होती है भैया? एक जोड़ी होती है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। बात क्लियर है? और देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों तालवे की जो अस्थि होती है उसका नाम क्या है? याद रखना साथियों तालवे की जो अस्थि होती है उसका नाम है पेलेटाइन। पेलेटाइन, और यह भी साथियों एक जोड़ी होती है। बात क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई? ओके, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम रिवीजन करते हैं। देखिए भैया एक बार और समझते हैं। कपाल का पत्थर किस अस्थि को कहा जाता है? स्पेनोइड को कहा जाता है।
ये तितली के आकार की होती है साथियों। तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भैया तितली के आकार की अस्थि का नाम क्या है। तो साथियों याद रखना स्पेनोइड है, बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हथौड़े के आकार की अस्थि कौन सी है। तो याद रखना हमारे कान में तीन अस्थियां पाई जाती है, एक का नाम है मेलियस, एक का नाम है इनकस और एक का नाम है स्टेपिज। तो साथियों ये जो मेलियस अस्थि होती है इसका आकार हथौड़े के समान होता है यानी कि हेमर के समान होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि हथौड़े के आकार की अस्थि कौन सी है। तो भैया मेलियस है, बात क्लियर है। ओके, ये जो स्टेपिज अस्थि है साथियों ये मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है और ये भी भैया आपके कान में पाई जाती है, बात क्लियर है। ओके, आगे बात करते हैं शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। तो भैया फीमर है, हमारे पैर में पाई जाती है और पैर में भी कहां जांग में पाई जाती है। ओके, आगे बात करते हैं पैर से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि भैया घुटने की अस्थि कौन सी है। तो भैया घुटने की अस्थि है पटेला, बात क्लियर है। और देखिए आंख की अस्थि कौन सी है, तो लैक्रिमल अस्थि है, एक जोड़ी होती है। गाल की अस्थि कौन सी है, जाइगोमेटिक है, ये भी एक जोड़ी होती है। तालवे की अस्थि कौन सी है साथियों, पैलेटाइन है, तालवा, जिसे आप तालवा कहते हो ना वो वाली अस्थि, तो उसका अस्थि का नाम है साथियों पैलेटाइन। इतनी बात क्लियर है। ओके, मिटा रहा हूं स्क्रीनशॉट ने लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लेना। गाइज ये ऐसी महत्वपूर्ण अस्थियां है जो बार बार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और बात करते हैं, अब बात करते हैं साथियों जबड़े की अस्थि के बारे में। जबड़े की अस्थि, देखिए साथियों जबड़े की दो अस्थियां होती है, एक होता है ऊपरी जबड़ा, होने को तो तीन होती है टोटल। तो साथियों जबड़े की अस्थियां, ऊपरी जबड़े की साथियों दो अस्थियां होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। इसे कहा जाता है साथियों मैक्सिला। और जो निचला जबड़ा है साथियों इसकी एक अस्थि होती है और इसका नाम है भैया मैंडिबल, बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जबड़े की अस्थि कौन सी है तो भैया ये तीनों अस्थियां हैं, दो तो मैक्सिला है और एक मैंडिबल है, बात क्लियर है। ओके, अगला क्वेश्चन साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया फांसी के समय क्षतिग्रस्त होने वाली अस्थि कौन सी है। फांसी के समय क्षतिग्रस्त होने वाली अस्थि, तो याद रखना साथियों नाम है हायोड। ये साथियों हमारे गले में पाई जाती है, इसका आकार साथियों अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। इसे साथियों स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया मानव शरीर की एकमात्र स्वतंत्र अस्थि कौन सी है, तो हायोड है साथियों, ये कहां पाई जाती है, गले में पाई जाती है। बात यह आती है साथियों कि इसे स्वतंत्र अस्थि क्यों कहा जाता है, क्योंकि साथियों मानव शरीर की जितनी भी अस्थियां हैं सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, एकमात्र ये ऐसी अस्थि है साथियों जो किसी अन्य अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती, इस कारण साथियों इसे स्वतंत्र अस्थि कहा जाता है। और जब साथियों किसी इंसान को फांसी लगाई जाती है तो भैया फांसी के समय कौन सी अस्थि क्षतिग्रस्त होती है साथियों, तो भैया हायोड होती है, बात क्लियर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी अस्थि है जिसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है, तो भैया हायोड है, बात क्लियर है। और देखिए अगला क्वेश्चन आता है साथियों कि भैया सीने की अस्थि कौन सी है। तो गाइज सीने की अस्थि है भैया स्टर्नम, कौन सी है भैया स्टर्नम है, ये वाली अस्थि।
बात क्लियर है। पसली पिंजरा साथियों कौन कौन सी अस्थि बनाती है कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए भैया बात कर लेते हैं कंधे की अस्थियों के बारे में, कंधे की अस्थि, एक का नाम है साथियों स्केपुला और एक का नाम है साथियों क्लेविकल, एक का नाम है साथियों स्केपुला और एक का नाम है क्लेविकल। तो साथियों स्केपुला से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, स्केपुला होती है ये वाली अस्थि और क्लेविकल होती है साथियों ये वाली अस्थि। ये जो इस क्लेविकल अस्थि है साथियों इससे आपकी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्लेविकल को साथियों क्या कहा जाता है, सुंदर अस्थि कहा जाता है इसे, इसे कोलर अस्थि भी कहा जाता है और इसे साथियों खुंगाली का हाड भी कहा जाता है। गांव में अगर आपने सुना होगा साथियों खुंगाली का हाड, तो यही होता है भैया खुंगाली का हाड, इसे सुंदर अस्थि भी कहा जाता है, सुंदरता की अस्थि कहा जाता है एक्चुअली में साथियों, सुंदर अस्थि नहीं सुंदरता की अस्थि। और कोलर बोन कहा जाता है यानी कि कोलर अस्थि कहा जाता है। अब बात यह आती है साथियों कि सुंदरता की अस्थि क्यों कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया कि ये वाली जो अस्थि होती है ये वाली होती है साथियों क्लेविकल। जो महिलाएं होती है साथियों उनमें अगर ये अस्थि दिखाई देती है साथियों तो ऐसा कहा जाता है कि वो सुंदर है फिट है साथियों। तो जब वो इस अस्थि पर हार पहनती है साथियों कोई आभूषण पहनती है तो वो अच्छी लगती है, इसलिए साथियों से सुंदरता की अस्थि कहा जाता है। कोलर अस्थि क्यों कहा जाता है कि साथियों हमारे ये जो कोलर है भैया ये इस अस्थि पर टिकता है, इसलिए साथियों से कोलर अस्थि कहा जाता है। और साथियों छोटे बच्चे में हसली की समस्या जिस अस्थि के कारण आती है वो भैया यही अस्थि है क्लेविकल अस्थि, इसे साथियों खुंगाली का हार्ड भी कहा जाता है। बात क्लियर है। तो साथियों ये वो अस्थियां है जो आपसे बार बार आपकी परीक्षा में पूछी गई है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। एक महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि भैया कल से हम बोटनी का तीसरा चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि बोटनी में साथियों हमारे दो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। नंबर एक पर आता है साथियों प्लांट क्लासिफिकेशन और नंबर दो पर था साथियों हमारा प्लांट मॉर्फोलॉजी। दो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, अब तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं साथियों प्लांट हार्मोन। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस YouTube चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाई जाती है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। मेरा नाम रवि है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।